हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं एक सोलो पर्नर हूँ इंडिया से। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ फ्री जीएच इन बिट किंगडम एंड व्हाट इज़ जीएच बीटीसी एंड जीएच कैश इन बिट किंगडम। तो उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, मेरे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आपने मुझसे, तो मेरे को आप आकर यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज पर, ये मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगा पेज का, ये लिंक, और आप मेरे को कॉन्टैक्ट पेज पर आकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कैसे भी, फेसबुक, यूट्यूब, डेली मोशन या जैसे भी ट्विटर वगैरह पे, या आप डायरेक्ट मैसेज यहाँ पे भी कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो मैं इसे अभी बंद करता हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पर ये लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आकर भी आप मुझे मिल सकते हैं। ठीक है, इसको भी अभी बंद करता हूँ। तो अभी आ गए हम अपने बिट किंगडम के बैक ऑफिस में, ये आप देख रहे हैं। मैं इसको लॉगिन होता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये फ्री जीएच और फ्री जीएच बीटीसी वगैरह क्या है। तो लेट मी लॉग इन। अभी आप देख रहे हैं मैं अपने बैक ऑफिस में लॉगिन हो गया हूँ बिट किंगडम के। तो ये सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो पहले से बिट किंगडम के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। ठीक है, ये अगर आप वीडियो मेंबर नहीं है अभी, तो आप अभी इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं चाहता कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ। ठीक है, तो अगर आप मेंबर हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है फ्री जीएच। ये देखिए, जैसे मेरा पीएच मैंने किया हुआ है, मेरा पीएच चला हुआ है, ठीक है, एक्टिव है ऑलरेडी। तो क्या हुआ है यहाँ पे, जो मेरा अमाउंट है, ये जो सबसे पहले तो आपको ये बात जाननी है कि जैसे ये हमने जब हम पीएच करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आके देख सकते हैं पीएच की डेट क्या है। जिस दिन हमने पीएच किया था, 27/5 को किया था, ठीक है, 27/5 को हमने पीएच किया था, और ये 26/6 को मैच्योर हो जाएगा पूरा, जो 13 दिन अभी बाकी हैं। ठीक है, और ये जो बीच में डेट बता रहा है, इसका मतलब होता है कि जो आपकी अर्निंग है, जब आपकी अर्निंग जो है शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी, मतलब आपके जीएच में शो होनी शुरू हो जाएगी, वो डेट यहाँ पे शो करता है इस तारीख को। ठीक है, तो अभी हम अपने जीएच में जाते हैं सबसे पहले। तो जैसे ही मेरी पीएच चले होते हैं, मैं अपने जीएच में जाके देखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है जीएच बैलेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री जीएच, आगे लिखा है नो टोकन नीडेड। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है इन दोनों में, मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए, फ्री जीएच क्या होता है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने स्नैपशॉट रखे हुए हैं फ्री जीएच, सबसे पहले बताता हूँ आपको मैं। ये मेरी पूरी एडमिन से बात हुई है इंडिया के जो हैं, तो उन्होंने ये बताया मुझे कि मैंने इनसे पूछा था, हाय फ्री जीएच मींस क्या मतलब है। इन्होंने बताया फ्री जीएच मींस कि जितना बीटीसी फ्री जीएच में है, वो आप विदाउट टोकन फीस पे किए विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मैंने कहा ओके, एंड फ्री जीएच में बीटीसी आता कैसे है, रेफरल कमीशन के थ्रू आता है। इन्होंने कहा यस, आपके डाउनलाइन अगर 5 BTC लगाते हैं तो 10% आएगा बोनस आपको। ठीक है, जो हमें पता है कि 10% हमें रेफरल कमीशन मिलती है, वो फ्री जीएच होता है। ठीक है, ओके, मतलब कितना भी पीएच होगा रेफरल के थ्रू, तो 10% कमीशन जो आती है वो जाती है फ्री जीएच में। ठीक है, तो अभी आप समझ गए होंगे कि फ्री जीएच का क्या मतलब है। मैं आपको दोबारा यहाँ पे लेके चलता हूँ अपने जो है स्क्रीन पे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्री जीएच जो है लिखा है नो टोकन नीडेड। अब ये जो अमाउंट यहाँ पे बता रहा है, जितना भी अमाउंट आई थी, अभी कुछ थोड़ा ही है, ये मेरे रेफरल के थ्रू मेरे को अर्निंग आई हुई है। ठीक है, जो रेफरल ने परचेज किया था उसके थ्रू मेरे को 10% अर्निंग आई हुई है। तो यहाँ पे लिखा है नो टोकन नीडेड, और इसको मैं कभी भी विड्रॉ करा सकता हूँ विदाउट एनी टोकन, मुझे कोई टोकन लेने की जरूरत नहीं। और अगर आपने, जैसे आपको पता है कि जीएच बैलेंस ये शो कर रहा है, अगर इसको विड्रॉ कराना है तो $10 का टोकन लगता है। ठीक है, जैसे हमारे ज्वाइन करते थे पीएच का टोकन लगा था, तो विड्रॉल कराते टाइम भी $10 का पीएच का टोकन लगेगा, जब आप विड्रॉल कराना होगा आपने, वो भी जीएच बैलेंस। अगर फ्री जीएच कराना है तो कोई टोकन नहीं है, अभी का अभी आप विड्रॉ करा सकते हैं, और ये आपके किसी भी वॉलेट में, जो आपका वॉलेट है, एड्रेस जो आपने दिया हुआ है, उसमें आपके शिफ्ट हो जाएगा पैसा, जब आप इसको विड्रॉ कराएंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ टाइम बाद आपको ये विड्रॉ करके भी बताऊंगा लाइव कि कैसे आप विड्रॉ करा सकते हैं फ्री जीएच को। ठीक है, और अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है जीएच बीटीसी एंड जीएच कैश में क्या डिफरेंस है। तो चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास, यहाँ पे गेट हेल्प पे दिखा रहा है, यही इसी पेज पे, गेट हेल्प के पेज पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहा है जीएच बीटीसी एंड जीएच कैश। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। जीएच बीटीसी जो है, जीएच बीटीसी में हम अपना जो जीएच होगा वो विड्रॉ करा सकते हैं आराम से अपने वॉलेट में। ठीक है, और जीएच कैश जो है, ये बैंक ट्रांसफ़र आप समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये अभी कुछ 2-3-4 कंट्रीज़ हैं उनमें ही अवेलेबल है। ठीक है, जैसे चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, शायद इंडोनेशिया में भी हो, तो ये 2-3 कंट्रीज़ में अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है जीएच कैश, मतलब बैंक ट्रांसफ़र। तो अभी आप बैंक ट्रांसफ़र नहीं करा सकते बिट किंगडम से। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका चैट दिखाता हूँ जो मैंने की थी। तो मैंने इनसे पूछा था कि जीएच और जीएच कैश में क्या डिफरेंस है, तो इन्होंने बताया कि नहीं, जीएच कैश मीन्स कि जीएच बीटीसी को डायरेक्ट बैंक में विड्रॉ करना। ठीक है, जीएच कैश मैंने आपको बताया अभी, तो जीएच बीटीसी मीन्स जब आप जीएच बीटीसी करेंगे तो वो विड्रॉ डायरेक्ट आपके बीके वॉलेट में जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट अपने किसी भी वॉलेट में विड्रॉ करा सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो ये जीएच कैश जो है, ये बैंक ट्रांसफ़र है, इसको आप अभी नहीं कर सकते। जीएच कैश जो है, जहाँ से बीटीसी डायरेक्ट बैंक में विड्रॉ किया
किया जा सके, ठीक है, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सपोज एक BTC वियतनाम वाले विड्रॉ करेंगे तो वो एक BTC आज के रेट से कन्वर्ट होके वहाँ के डॉलर के हिसाब से उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी लगता है, मेरे को भी लगता है, आप भी यहाँ पर समझ गए होंगे, जो GH कैश आप अभी नहीं करा सकते क्योंकि इंडिया में अवेलेबल नहीं है ये, क्योंकि इंडिया में जो है अभी टीम डेवलप हो रही है, जब ये अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगी तो बैंक ट्रांसफ़र का सिस्टम जो है मेथड भी इसमें ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगा, ठीक है, मतलब इंडिया के लिए भी। अभी ये वियतनाम और चाइना दो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए GH BTC सबके लिए है, राइट, एंड GH कैश वियतनाम एंड चाइना वालों के लिए है, वालों के लिए है, वो लोग GH कैश क्लिक करके डायरेक्ट BTC कन्वर्ट करके बैंक में विड्रॉ कर लेंगे, कर सकते हैं, कर लेंगे, ठीक है। ये वाला बटन GH कैश जो मैंने आपको भी बताया ना यहाँ पर, ये वाला ब्लू वाला GH कैश, तो यहाँ पर लिखा है जहाँ टीम अच्छी है वहीं ये फैसिलिटी है, इफ़ इंडिया में से अच्छी टीम हो जाएगी तो हम लोग भी विड्रॉ कर सकेंगे डायरेक्ट बैंक में, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको पूरा पूरा पॉइंट बताना था कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोगों की मैसेजेस आ रहे थे कि ये क्या है GHBTC और GH कैश क्या है। तो इसको मेरे को लगता है अभी पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन हो गया होगा कि कैसे आप अपना जो है GH कैश और GHBTC और GH कैश में क्या डिफरेंस है, और इसमें आपको कोई टोकन नहीं है, ये मैंने आपको बार बार बताया है, ये आप कभी भी विड्रॉ करा सकते हैं, ठीक है। और ये कमीशन मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे मेरे रेफरल हैं, मेरे रेफरल हैं, देखिए इन्होंने PH किया था 0.23 का, तो इसको मेरे को कमीशन मिली थी 0.233 475 की, ठीक है, बोनस मिल गया था मेरे को। तो यहाँ पे आप वही अमाउंट देख रहे हैं, ये फिर से पढ़ लीजिए 0.233475। तो मैं अपनी गेट हेल्प पे गया हूँ, गेट हेल्प पे गया और मैंने देखा 0.233457050, ये वो आधा होता है वहाँ पे, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं बिना किसी टोकन के अभी का अभी विड्रॉ करा सकता हूँ अपने जो है किसी भी BTC वॉलेट में, ठीक है। और अगर आप अर्निंग टैब में देखते हैं, अर्निंग टैब में आपको दिखेगा जो कि आप रेफरल, ये जो है यहाँ पे देखिए रेफरल के थ्रू जो कि आपको कमीशन मिली है, ठीक है, जो बोनस मिला है ये दिखा रहा है यहाँ पे, जो मेरे एक रेफरल थे अविनाश जी उनके थ्रू बोनस मिला है। और ये प्रॉफिट जो दिखा रहा है मेरे को, ये प्रॉफिट वो दिखा रहा है जो मेरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट मेरा PH का प्रॉफिट जो है, ठीक है, जो मैंने PH किया हुआ है उसका 10 या 12 15 दिन के बाद जो है प्रॉफिट यहाँ पे शो होने लग पड़ता है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि मेरे को अभी यहाँ पे देखिए 30 दिन के ऊपर हो गए हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉफिट जो है सारा का सारा जो है मेरा शो हो रहा है गेट हेल्प में, जो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। और इसका भी प्रॉफिट बीच बीच में मिक्स, मतलब उसमें मिक्स हो गया। तो अगर मैं इसको अभी एंड PH करता हूँ तो मतलब है कि मेरा सारा जो अभी बैलेंस होगा, जो इसका प्रॉफिट होगा, वो सारा मेरा गेट हेल्प में शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे पूरी तरह से कि कैसे GHBTC और GH कैश में क्या डिफरेंस है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ तो कुछ टाइम बाद करके लाइव की GHBTC फ्री GH आप कैसे विड्रॉ कराएंगे, और कुछ टाइम के बाद ये वीडियो भी आएगी GH बैलेंस और नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको नेक्स्ट अपडेट्स लेके आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।